जम्मू कश्मीर में साल 2024 की पहली आतंकवादी वारदात हुई है। आतंकवादियों ने बुधवार को श्रीनगर के हप्पा कदल में पंजाब के दो मजदूरों को गोली मार दी। अमृतपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घायल रोहित ने गुरुवार सुबह श्रीनगर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों अमृतसर में चमियारी गांव के रहने वाले थे। खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। फौरन रिश्तेदार और गांव वाले उनके घर पहुंचे। जब 10:30 बजे रात को पुलिस यहां पे घर पे हमारे आई और उन्होंने आईडी प्रूफ्स वगैरह हमें दिखाए, तब हमें पता चला। तो उसके बाद परिवार का जो माहौल था, काफ़ी अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा कि क्या करें और कैसे करना चाहिए। अभी बॉडी भी थोड़ी देर तक आ जाएगी। चलो जो हो भेज कर सकते हो। 5 लड़कियां ने, 2 लड़के सरकार की अपील कर दी उनके लिए, क्योंकि गांव बच्चे के नौकरी मिल जाए। परिवार के अलावा गांव वालों ने भी सरकार से दोनों परिवारों को मुआवजा देने और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अपील की। पीड़ित परिवारों को फौरन मुआवजा दिया गया है। गए थे अपनी रोजी रोटी वास्ते ही थे, पर जाते उतने आतंकवादियों ने उन्होंने मतलब उन्होंने मारता है। बहुत ही दुखदाई गल है। तो यह गरीब परिवार है, मसा ही हैंड टू माउथ वाली इन्हों की जी पोजिशन है। अं तो यही करा कि जी सरकार है जी जिनी असंभव मदद हो सके, संभव भी मदद हो सकती कर। अमृतपाल सिंह 5 साल से श्रीनगर में बढ़े थे। रोहित छोटे मोटे दूसरे काम करता था। अमृतपाल के परिजनों ने सरकार से आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।